जो आगे बढ़ा, सत्य के बल चला, लक्ष्य को पा गया, उस ऋषि पर दयानंद के सामी बने, एक निशानी बने। महर्षि देवदानंद सरस्वती महाराज ने आर्यों को वो कसौटी दी। आज बड़े सुखद का विषय है, सरकार जागी, मोदी जी ने महर्षि देवदानंद सरस्वती जी महाराज के 200 वर्ष पूरे होने पर उच्च समिति बनाई और पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में जहां जहां आर्य समाज हैं कार्यक्रम हो रहे हैं और 10वीं जयंती को सरकारी स्तर पर भी मनाया जा रहा है। सभी जानते हैं कि राष्ट्र आर्यवत राष्ट्र पूरे विश्व को वेद का ज्ञान, जिसको वैदिक संस्कृति कहते थे, उसका ज्ञान आर्य समाज के माध्यम से पूरे विश्व को मिल रहा है। कवि ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं, आर्यों की जमी आर्यों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे जुल्मों से तम, आर्यों की जमी आर्यों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे ये जुल्मों से तम, आर्यों की जमीन। वीरता गर नहीं धीरता गर नहीं तो जो से जमाने का क्या फायदा, खून खोले नगर हो रहा हो जुलम, आंखें तेवर दिखाने का क्या फायदा, दोषी बच ना सके ऐसा मौका न दो, दोषी बच ना सके ऐसा मौका न दो, देशद्रोही को अपना मिलेगी शरण, आर्यों के जमे आर्यों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे ये जुल्मों से तम, राष्ट्र में देशद्रोही जो गद्दार है, जो नफरत फैलाते और मक्कार है, राष्ट्र में देशद्रोही जो मक्कार है, वो नफरत फैलाते और मक्कार है, भेद दुश्मन को वो भेद दुश्मन को देते हैं जो रात दिन, भेद दुश्मन को देते हैं जो रात दिन, आतंकियों को भूलो जो करते जुलम, आर्यों के जमे आर्यों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे ये जुल्मों से तम, दुश्मन सरहद पे करता रहा जोर है, सड़के बनवा दे देखो दोनों ओर है, दुश्मन सरहद पे करता रहा जोर है, सड़के बनवा दे देखो दोनों ओर है, खबरें आती रही नेता सोते रहे, खबरें आती रही नेता सोते रहे, देखो अब भी मिटा नहीं इनका भरम, आर्यों की जमे आर्यों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे ये जुल्मों से तम, दुश्मन सरहद पे करता है सैतानियां, भारत करता सदा उस पे मेहरबानियां, दुश्मन सरहद पे करता है सैतानियां, भारत करता सदा उस पे मेहरबानियां, भाई दुश्मन है वो भाई दुश्मन है लेकिन वो नासूर है, भाई दुश्मन है लेकिन वो नासूर है, धन से करना पड़ेगा अब सर ही कलम, आर्यों के जमे आर्यों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे ये जुल्मों से तम, चल पड़े हैं दधीच
कोले तो पे चलाओ छाती तान कर, कायरों की तरह ना मरेंगे कभी, कायरों की तरह ना मरेंगे कभी। आरियों की जमीन पे लिया है जन्म, आरियों की जमीन आरियों का वतन, दुनिया वालों मिटा दे ये जुल्मों सितम। आज राष्ट्र की स्थिति से सभी अवगत है। इस समय हमारा राष्ट्र जिन चुनौतियों का पचल रहा है आप सभी जानते हैं, लेकिन हम भारतवासी इस राष्ट्र की आन और शान को बचाने के लिए लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस राष्ट्र में शांति रहे, सभी मिलजुल कर रहे, और जितने भी मतपंथ हैं संसार में वो सारे खत्म हो जाए और राष्ट्र की धारा से सभी मनुष्य जुड़ जाए। यही हमारे प्रधानमंत्री अपने व्याख्यानों में कह चुके हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर शब्द कहे हैं,